पाठ क्रमांक छे, उत्तम शिक्षा। लेखक महात्मा गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर गुजरात। इंतकाल 30 जनवरी 1948। आपको राष्ट्रपिता के लकब से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, ये जो सबक हम समझने वाले हैं, सबक नंबर 6, उत्तम शिक्षा, दरअसल ये एक खत है जो महात्मा गांधी ने अपने बेटे मनीलाल को यरवड़ा जेल से 8 नवंबर 1932 को लिखा था, जब वो जेल में थे। इस खत में वो लिखते हैं, प्यारे मनीलाल, शुभाशीष, शुभाशीष का मतलब होता है मेरी दुआएं। मैंने जो पारिवारिक बोझ तुम्हारे सर पर दिया है, उसका निर्वहन करने में तुम समर्थ हो। यानी मैंने जो पारिवारिक बोझ तुम्हारे सर पर दिया है, उसको निभाने में तुम काबिल हो। समर्थ यानी काबिल होना। मुझे ऐसा लगता है कि तुम पूरे आनंद के साथ इसे उठा रहे हो। मैंने कारागृह में बहुत कुछ पढ़ा है। कारागृह यानी जेल। मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा का अर्थ मात्र अक्षर ज्ञान नहीं है, यानी सिर्फ लिखना और पढ़ना नहीं। शिक्षा का अर्थ है चरित्र संवर्धन एवं कर्तव्य पालन, यानी किरदार साजी और फराइज की अंजामदेही। तुम्हें आजकल उत्तम शिक्षा प्राप्त हो रही है, यानी तुम्हें बेहतरीन तालीम हासिल हो रही है। माँ की सेवा हो या भाभी जी की, यानी माँ की खिदमत हो या भाभी की, अथवा रामदास एवं देवदास का अभिभावक बनना, यानी रामदास और देवदास जो उनके छोटे भाई हैं, का अभिभावक बनना, यानी सरपरस्त बनना, इससे अधिक अच्छी शिक्षा कौन सी हो सकती है, यानी इससे बेहतरीन तालीम कौन सी हो सकती है। ये कार्य तुम अच्छी तरह से करो तो आधी से भी अधिक शिक्षा पूरी करने जैसा ही है। यानी ये काम तुम अच्छी तरह से करो तो आधी से भी ज्यादा तालीम पूरी करने के बराबर है।